एमसीडी जीत जाएं तो ये पांचवी तक के स्कूल भी हमारे पास आ जाएंगे। तो फिर ऊपर वाले ने सुन ली हमारी, हम एमसीडी भी जीत गए और 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिए, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। तो सुना आप लोगों ने, देखा आप लोगों ने कि कैसे हमारे द ग्रेटेस्ट सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया जी की मदद से दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के स्कूल हैं उनकी हालत चेंज कर दी है। एक जादू की झड़ी जो है वो फेर दी गई है स्कूलों के आसपास और स्कूल एकदम से चेंज हो गए हैं। और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी अपने नाम कटवाकर प्राइवेट स्कूलों से अपना दाखिला दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों के अंदर ले रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी स्कूलों के सामने 6-6, 7-7 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। कई प्राइवेट स्कूलों से कई माँ बाप अपने बच्चों को निकाल निकाल के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइन में खड़ा करके उनका एडमिशन लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्कूलों के अंदर एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है उनको वर्ल्ड लेवल का बना दिया है। और वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए सबसे पहला काम ये किया गया है कि वहां पर दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के स्कूल हैं पिछले 6 साल से एक भी टीचर्स की भर्ती नहीं की गई है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जितने भी वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है अपना, फिर सीटेट पास किया है 7-8 बार, क्योंकि वैकेंसीज तो आई नहीं तो 7-8 बार पास किए बैठे हैं, उनके लिए वैकेंसीज नहीं देनी है। करना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जहां पर 50,000 रुपए में आपको एक ट्रेंड टीचर मिलता, 20,000 रुपए में, 15,000 रुपए में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर मिल जाएगा। और उन्हीं के दम पर केजरीवाल जी ने एमसीडी के स्कूल्स की काया पलट कर दी है। आप लोग वेट में थे कि डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसीज कब आएंगी, कब आएंगी? प्राथमिक जो शिक्षक है उसकी भर्तियां कब आएंगी? 6 साल हो चुके हैं। अब तो आम आदमी पार्टी को आए हुए 2022 से बहुत टाइम हो चुका है ना एमसीडी में भी, और इनका कहना यह है कि इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है सिस्टम, अब किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है, खासकर एमसीडी में? 6 साल हो चुके हैं, कोई भर्ती नहीं निकली है 2018 के बाद से। ये एक काफी चिंता का विषय है और ये चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है, जो यहाँ पर सीटेट पास करने के लिए स्टूडेंट्स यूट्यूब पर आते हैं या जो डिप्लोमा कर रहे हैं अभी, उनको ये नहीं बताया जाता कि साल में 2 बार सीटेट तो आएगा ही आएगा। अगर सीटेट साल में 1 बार आ जाए और 1 बार ना आए तो उसके लिए धरने हो सकते हैं, उसके लिए तो यूट्यूब के ऊपर कैंपेन चलाए जा सकते हैं। क्यों जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया था, बनाया गया है, बनाया जाएगा। सच्चाई दबाई गई है, दबाई गई थी, दबाई जाएगी। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अगले यानी कि 5 साल के अंदर आप 10 सीटेट दे चुके होंगे, भूली भटकी आपको डीओई में और एनडीएमसी में एक आधी वैकेंसी मिल जाएगी, वो भी 2-3 साल के बाद। लेकिन अगर आप एमसीडी के अंदर वेट किए बैठे हो कि एमसीडी के अंदर हमें वैकेंसी मिलेंगी, तो ऐसा होता है सिर्फ इलेक्शन के आसपास। ये 2024 का जो ईयर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या तो जुलाई अगस्त में वैकेंसीज आ गई, नहीं तो फिर आप 2027 तक भूल जाइए। क्योंकि केजरीवाल जी का मानना ये है कि उन्होंने ऑलरेडी जो है एमसीडी के जो स्कूल थे उनकी हालत को ठीक कर दिया है। विदेशी जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके कंपैरिजन में दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बहुत बेहतर हो गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जाती है 15 अलग तरीकों से। किसके थ्रू? 15,000 रुपए के टीचर्स के थ्रू, सिलेक्टेड टीचर्स के थ्रू नहीं। एमसीडी के जो स्कूल्स हैं पिछले 6 साल में ना तो वहां से कोई रिटायर हुआ है, ना किसी का प्रमोशन हुआ है, ना कोई नए स्कूल खुले होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर इनकी बात सुनी जाए तो नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर शिक्षा को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। लेकिन इस बात को बताने के लिए ना तो कोई
रेडी है और ना ही इस चीज को सुनने और समझने के लिए कोई रेडी है। क्योंकि देखिए, इंसान की जिंदगी के अंदर 70 समस्याएं होती हैं। शिक्षा की किसको पढ़ी है, खास करके छोटे बच्चों की शिक्षा की। तो जो लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, पेडागोजी से जुड़े हुए हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि बच्चे के शुरुआती जो 6 साल होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। अगर उन 6 साल के अंदर बच्चे को सही गाइडेंस नहीं दी गई, अगर उन्हें सही टीचर से नहीं पढ़ाया गया और जिस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे व्यूज़ यही हैं कि दिल्ली के अंदर जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ हैं, 6 साल हो गए निकले हुए, शिक्षा के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। सीटेट के ऊपर सबका ध्यान है लेकिन भर्तियों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आई होप, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सरकार से, आप भर्तियां बेशक ना निकालें लेकिन सीटेट का ढोंग बंद करते हैं आप। अगर आप जो है 2 सीटेट के बाद अगली भर्ती का पेपर नहीं ले सकते तो 3रा सीटेट नहीं होना चाहिए। यानी कि सिर्फ सीटेट कराओ, एग्जाम जो है नौकरियों का वो मत कराओ, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो अपने गिरिबान में झांकिए यार, कुछ तो शर्म कीजिए, है ना। और अगर आप में भी थोड़े से गट्स हैं, आपको ये बात सच्ची लगी हो और आप अगर अपने टीचर्स की अंधभक्ति से दूर होकर अगर खुले दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर ना तो कोई बोला था, ना कोई बोला है, ना कोई बोलेगा। क्यों? क्योंकि सीटेट जिंदाबाद।